Hello everyone, this is Varsha and you're Cheng, Mastermind. Now, जितने भी class 10, 11 and 12 students हैं, सभी के साथ अभी क्या हो रहा है? Basically क्या हो रहा है कि आपका जो कि pandemic है, उसके वजह से online classes हो रहा है काफी दिनों से. सोचो कि online classes है, बहुत दिनों से continue हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है. लेकिन उसके वजह से काफी ज्यादा effect हो रहा है studies और कैसे हो रहा है आपको ये सब ऑलरेडी पता है. कितने लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पसंद नहीं है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन. सो नाउ जितने भी क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं अभी? सबसे ज्यादा फोकस क्लास 10 एंड क्लास 12 का स्टडीज सिलेबस को दिया जा रहा है प्रेफरेंस, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव टू गिव देयर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली क्लास 9 एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स का जो कि स्टडीज है वो काफी ज्यादा नेग्लेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि टीचर्स को सिलेबस को कंप्लीट करना है, स्पेशली क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स का. और आईसीएसई का आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स होता था, 9 एंड 11 स्टूडेंट्स के लिए भी बोर्ड एग्जामिनेशन होता था. सो बोर्ड एग्जामिनेशन इन द सेंस जो कि क्वेश्चन पेपर था, दैट यूज टू कम फ्रॉम द बोर्ड, दैट वाज सेट बाय द बोर्ड, और वो आपके स्कूल्स में आता था और करेक्शन तो ऑब्वियसली स्कूल के टीचर्स ही करते थे. तो क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स का टीचर्स लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनका सिलेबस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके वजह से क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग दैट हमारा सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है. सो इसी के वजह से क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका सिलेबस कंप्लीट तो हो जा रहा है, लेकिन काफी सारा पोर्शंस है जो कि टीचर्स आइदर दे आर स्किपिंग दैट और उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी करके, दे आर फिनिशिंग ऑफ विद द सिलेबस. नाउ जितने भी क्लास 11 स्टूडेंट्स है और 9 स्टूडेंट्स है, दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड. बट यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि क्लास 9 एंड 11 स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि क्वेश्चन पेपर स्कूल टीचर्स दे आर ओनली गोइंग टू सेट, जितना भी सिलेबस कंप्लीट होता है वो लोग दे देंगे, उतना करवा देंगे, और जो कि क्वेश्चन पेपर है दैट वुड बी सेट अकॉर्डिंगली, जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको. लेकिन यहाँ पर ये वीडियो स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, काफी सारे क्लास 11 स्टूडेंट्स है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं. इम्पॉर्टेंट है बेसिकली उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का अगर हम सिलेबस का बात करें तो वो सिलेबस है क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस, जो कि काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कवर करना. तो उसी की वजह से स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बेसिकली क्या हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, द टीचर्स आर गोइंग वेरी स्लो फॉर क्लास 11 एंड क्लास 9 स्टूडेंट. 9 एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड. सो वॉट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. एंड ऑब्वियसली बेसिक सा वीडियो है, आपको भी पता है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब चीज को फॉलो जरूर करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्टली अगर हम बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस इम्पॉर्टेंट है आपको कवर करना. डोंट डिपेंड ऑन द स्कूल टीचर्स. यस, आपको ऑनलाइन क्लासेस में जो हो रहा है उसको करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ यू टोटली हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम. और जो कि ऑनलाइन क्लासेस है अगर एक तरह से देखा जाए तो उसका सिर्फ डिसएडवांटेजेस नहीं है, इट हैज बोथ प्रोस एंड कॉन. लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा एडवांटेज क्या है, वन बिग एडवांटेज इज दैट यू आर गेटिंग टाइम टू स्टडी, टू डू सेल्फ स्टडी. सो स्कूल्स में आप 7 to 8 आवर्स देते हो, लेकिन यहाँ पर घर में ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो आपका टाइम जो है काफी ज्यादा सेव हो रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम दैट इज वेरी प्रीशियस एंड यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू कवर द होल सिलेबस ऑफ योर क्लास 11. क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कवर द सिलेबस. और अगर आप सिलेबस देखो, काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है, सारा टॉपिक्स आपको कवर करना है, सब कुछ डिटेल में करना है, तो उसके लिए आपको जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नहीं होगा, क्योंकि स्कूल्स में भी क्या होता है, इस बार तो पैंडेमिक की वजह से आप एक्चुअली यू डिड नॉट गो टू स्कूल, लेकिन जो कि सिलेबस है स्कूल्स में भी अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि बेसिकली 11 एंड 12 स्टूडेंट्स को डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, जो भी टॉपिक्स है बस ऊपर ऊपर से कवर हो जाएगा, और डिटेल में कुछ ही टॉपिक्स आप पढ़ोगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, दिस इज नंबर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट. डोंट डिपेंड ऑन द स्कूल टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से सिलेबस को कवर करना पड़ेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब, एंड यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है कंटेंट फॉर क्लास 11 एंड 12, स्पेशली इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट. नाउ जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स है, तो वो लोग भी डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो यू नीड टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सेट द टाइम टेबल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्लीमेंट दैट. और जितना भी सिलेबस है आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है, आपके पास हार्डली यू हैव 4 months लेफ्ट, सो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस 4 months के अंदर अभी तक आपने जितना भी सिलेबस किया कवर किया उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और उसके साथ साथ जो भी अभी पेंडिंग में चैप्टर्स है, जो भी वट एवर चैप्टर्स आर पेंडिंग, यू नीड टू कवर दैट ऑन टाइम, क्योंकि स्कूल्स में क्या होगा, स्पेशली इफ यू आर एन आईसीएसई स्टूडेंट,
तो आईसीएसई का क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो है स्कूल टीचर्स दे आर ओनली गोइंग टू सेट, तो उसके वजह से जितना सिलेबस अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में कवर होगा इवन इफ दे आर गोइंग स्लो, तो जितना भी चैप्टर्स है सपोज 15 चैप्टर्स है और सपोज ओनली 13 चैप्टर्स आर बीइंग कवर्ड और 2 चैप्टर्स दे आर लेफ्ट आउट, तो वो 13 चैप्टर्स ही आपके क्वेश्चन पेपर दैट विल बी सेट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली एंड 2 चैप्टर्स विल बी लेफ्ट, इट वुड बी लेफ्ट आउट। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 2 चैप्टर्स यू आर गोइंग टू लैक, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर द सिलेबस ऑन टाइम। तो आपको इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा क्लास 11 का, और चूंकि शेड्यूल आप बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, पूरा स्टडी प्लानिंग और सो कॉल्ड यू कैन कॉल इट एज अ टाइम टेबल, तो आप जो भी बना रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आप मतलब टाइम टेबल बना लोगे अगर उसको फॉलो नहीं करोगे यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम विच यू हैव इन योर हैंड्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू एक्चुअली हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। और जो कि सिलेबस है सारा सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि स्कूल टीचर्स इवन इफ दे आर गोइंग स्लो यू नीड टू कवर एवरीथिंग बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू गिव द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड एक्चुअली नॉट योर टीचर्स, सो दे आर एक्चुअली डूइंग देयर ड्यूटीज। और आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन पर्टिकुलर टीचर बट रादर इट इज देयर जॉब एंड दे नीड टू डू इट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर द सिलेबस ऑन टाइम। अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस को हार्डली यू हैव 4 मंथ्स लेफ्ट, तो इस पूरे 4 मंथ्स के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर आपको मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हो, काफी सारा वीडियोस अवेलेबल है एंड यू कैन कवर द सिलेबस, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फिनिश द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। नाउ ऑनलाइन क्लासेस का डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग टाइम टू स्टडी, बिकॉज अगर आप देखो तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है। लेकिन स्कूल्स की बात करो तो 7 to 8 hours यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन स्कूल ओनली एंड आफ्टर दैट यू हैव ट्यूशंस एंड ऑल, उसके बाद स्कूल का जो कि वर्क रहेगा, पेंडिंग वर्क, होमवर्क एंड ऑल, सो यू नीड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद प्रोजेक्ट्स होगा, काफी कुछ होगा, प्रैक्टिकल्स आपको करना पड़ेगा, तो ये सारे चीज को करने के बाद आपके पास थोड़ा सा भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम विच यू हैव इन योर हैंड। पहले टाइम कम था, अब आपके पास टाइम ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल है और द लेवल ऑफ फोकस दैट इज लेस। कॉन्सेंट्रेशन लेवल इट हैज टू बी मोर एंड फोकस जो है आपका फोकस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फोकस करना पड़ेगा स्टडीज में, बिकॉज बिफोर यू यूज टू स्टडी फ्रॉम योर बुक, फिजिकली यू यूज टू स्टडी इन द क्लासरूम, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब कुछ इन योर मोबाइल फोन, एवरीथिंग इज देयर, सो इट इज नॉट इन योर हैंड्स, क्योंकि जो कि मोबाइल है ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको यूज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। सिलेबस है क्लास 11 का, इफ यू आर नॉट थॉरो विद द सिलेबस तो क्लास 12 में क्या होगा कि अगर आपका सिलेबस अच्छे से आपको नहीं आता है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, भी आपको काफी ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्लास 12 में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। सो फर्स्टली व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज दैट बिफोर यू स्टार्ट विद एनीथिंग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज मेक अ स्टडी प्लान। So you need to make a timetable for yourself and you need to follow it strictly and you need to implement that every day. So this was the video, और अगर आपका कोई भी doubts हो class 11 students का तो मुझे comment section में जरूर बताना, and on which topic do you want me to make the next video, do tell me in the comment section. So this was the video, thank you so much for watching, और इस video को like कर देना।